सब बोलिए हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। मित्रों, आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताइए, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि गुरुजी द्वारा बताए गए किस उपाय से क्या लाभ होता है। तो आज के उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय गुरुजी ने शिवरात्रि के लिए बताया। यह उपाय आप हर महीने की शिवरात्रि को करेंगे। किसी भी शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। एक बार शुरू करने के बाद हर महीने की शिवरात्रि को आपको लगातार 12 महीने तक करना होगा, तभी आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आपके मन की कामना होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, वो महादेव अवश्य पूरी करेंगे। तो इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्री के पत्ते महादेव को समर्पित करने हैं। 5 बेलपत्री के पत्ते आपको कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। 5 बेलपत्री के पत्ते लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएंगे। सबसे पहला पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको समर्पित करना है। अशोक सुंदरी पर आप जब भी पत्ता समर्पित करेंगे तो पत्ते की डंडी का मुख आपको जहां से पानी नीचे गिरता है उस साइड आपको रखना है। दूसरा पत्ता आपको माता पार्वती के हस्त कमल के ऊपर समर्पित करना है। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री के डंडे का जो मुख है वो आपको अशोक सुंदरी वाली साइड रखना है। तीसरा पत्ता आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर पत्ता समर्पित करते समय पत्ते की डंडी का मुख जिस दिशा में आप बैठे हैं उससे विपरीत दिशा में आपको रखना है। चौथा पत्ता आपको वहां समर्पित करना है जहां पानी जमीन पर नीचे गिरता है, उसी जमीन पर आपको चौथा पत्ता समर्पित करना है। पांचवा पत्ता आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान होते हैं, नंदी महाराज का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, उसी के ऊपर आपको पांचवा पत्ता समर्पित करना है। यह उपाय आपको लगातार 12 महीने करना है। 12 महीने अगर आप यह उपाय लगातार करते हैं तो आपके मन की हर मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे, चाहे वह आपके व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, या घर के में किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई भी आपकी मनोकामना है वह महादेव अवश्य पूरी करेंगे। ये पत्ते समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप साथ में करते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव का एक प्यारा सा जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।